हाई वन असलाकुम वेलकम बैक टू माई चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई ऑयल पर आप इसे कैप्सूल भी बोल सकते हो बिकॉज इस कैप्सूल फॉर्म में होती है अदरवाइज आपको बॉटल में भी विटामिन ई ऑयल मिल जाता है ठीक है एवियन में भी आपको विटामिन ई e मिल जाती है कैप्सूल्स और नॉर्मल आपको फेशियल एसेंस कैप्सोल भी मार्केट में मिल जाती है काम वो विटामिन वाइटामिन ऑयल का ही करते हैं ठीक है आज इसके ऊपर बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे कैप्सूल तैयार कैसे होती है वैसे आपको इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट विटामिन ई e लग रहा है लेकिन इसके अंदर मजीद और इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है टोकोफेरोल काम क्या करता है ये टोकोफेरोल ये भी बात करेंगे साथ में आपके स्किन के ऊपर कितना इफेक्टिव होता है क्या वर्क करेगा और फ्यूचर में से कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है कैप्सूल को हम कितना यूज कर सकते हैं रेगुलर बेस पे यूज भी कर सकते हैं या कर सकते हैं तो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो को एंड तक वॉच करना मजीद आपको विटामिन ई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ये वीडियो लाने का मकसद यही होता है आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाए गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो बिकॉज बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है बट आप किसी की मेहनत को समझते हो और लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सो गाइस मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया आपको विटामिन ई ऑयल भी मिलता है कैप्सूल्स भी मिल जाते और इन कैप्सूल्स भी मिल जाती हैं, ठीक है थीके? अब आपको वाइटामिन ई की फॉर्म समझ में आ गई होगी ऑयल बेस्ड होता है ठीक है अब हम बात करते हैं कि वाइटामिन ई आपके स्किन के ऊपर काम क्या करता है गाइस एक एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं दूँ की वाइटामिन ऑयल आपके रंग को गोरा नहीं करता ठीक है आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको साफ साफ बताया गया होगा कि इस कैप्सूल को लगाने से आपका रंग गोरा होता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कैप्सूल को लगाने से बिल्कुल रंग गोरा नहीं होता है ये आपकी वाइटामिन ई की कमी को पूरा करती है ठीक है अगर आपके स्किन के ऊपर है तो उसको पूरा करती है जैसे की बहुत सी मेडिसिन होती है जब आप खाते हो वाइटामिन ई की कमी आपकी पूरी हो जाती है स्किन ग्लो करने लगती है ठीक है अब एक चीज तो ये आ गई सेकेंडली ये वाइटमिन ई e का, का काम बहुत अच्छा होता है ठीक है वाइटामिन ई e, लोग किस लिए यूज करते हैं ग्लो के लिए यूज करते हैं एक तो ऑयल बेस होता है ऑयल बेस आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है लाइक जो ऑयली स्किन नहीं होती नॉर्मल स्किन होती ड्राई स्किन होती है उनके लिए ऑयल बेस्ड जो चीजें होती है जैसे की सिरम टाइप्स बट नॉन स्टिकी ऑयल ऐसा नहीं कि स्टिकी है चिपक रहा है और स्किन में जाके लाइक आपको पिम्पल एक्नी बना दे जम जाए ऐसा नहीं ऑयल ऐसा लाइक आपने लगाया और वो एब्जॉर्व हो जाए बिल्कुल नॉन ग्रीसी ठीक है तो ऐसा ऑयल होना चाहिए कि फॉरन से एबजॉर्व हो जाए तो इसका भी ऑयल ऐसा होता है कि फॉरन एब्जॉर्व हो जाता है और एक छोटी सी कैप्सल अगर आप रेगुलर बेस पे भी लगाते अपनी हो अपनी स्किन के ऊपर काफी होती है ठीक है अच्छा तो ये आपके लाइक स्किन के अंदर एंटी प्रोवाइड करती है आपके स्किन को ग्लो देती है टाइट

Alpha टोकोफेरल चुकीनेट है ठीक है इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जिसमें एक इंग्रेडिएंट का नेचुरल बीटा है गामा है और डेल्टा टोकोफेरल्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स किए गए हैं जो कि वाइटामिन ई e कैप्सोल को मिलाकर बनाए जाते हैं ठीक है थीके? मिक्स करके वाइटामिन ई e बनाया जाता है पहले इंग्रेडियंट की हम बात करें टोकोफेरल की तो गई ये आपके स्किन को रेडियंट लुक देने के लिए मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने के लिए एज अ मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करने के लिए इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एड किया जाता है है, जैसे कि विटामिन ई e के नाम से ठीक है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जो कि है डी अल्फा टोकोफेरल एसिटेट ये क्या काम करता है एक्चुअली मैं अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बोले तो ए टी ए बोलते हैं इसे और ये आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है जो कि सूरज की शॉय आपके स्किन पे पड़ती है उससे बचाता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और साथ साथ जब आप इसको यूज करते हो तो आपके स्किन के ऊपर जो रेडनेस वगैरह होती है वो कम हो जाती है ठीक है सेकेंड अब बात करते हैं की नेक्स्ट इंग्रेडियंट की जो कि है डी अल्फा टोकोफेरल टोकि ठीक है ये क्या काम करता है ये भी एक्चुअली में ना गई स्किन को रेडियंट लुक लाइक सपल सॉफ्ट स्किन को नर्म रखने के लिए लाइक काम काम करता है है एज अ मॉइस्चराइजर के के तौर पर स्किन स्किन अंदर ई का ये कि आपके को रखे नर्म रखे सॉफ्ट रखे ठीक है नेक्स्ट इंग्रीडियंट है इनका गामा गामा और क्या काम करता है ये स्किन के अंदर लाइक ब्लड सर्कुलेशन को आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाता है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है रिंकल्स को फ्रिकल्स को ऑक्सीडेशन लाइक ये आपके रिंकल्स को खत्म करता है फ्रेंकल्स को खत्म करता है साथ साथ यूवी ए रेस और यूवी बी रेस से भी आपको प्रोटेक्शन देता है ये इंग्रेडिएंट तो अच्छा होता है स्किन के लिए और इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है ठीक है तो आप इसको यूज करते हो लगातार जब रेगुलर बेस पे तो आपको ओवा से रिजल्ट इसके नजर आते हैं और रिंकल्स और फ्रेंकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इनका और लास्ट इंग्रेडिएंट है डेल्टा टोकोफेरल अच्छा डेल्टा टोकोफेरल क्या काम करते है गाइस ये भी ना आपके स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर देने के लिए काम करता है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है पॉल्यूशन से जो कि एनवायरमेंटल होता है जिसमें आप आ... बाहर जाते हो धुआं है डस्ट है मिट्टी पॉल्यूशन और सेकेंडली आप मेकअप यूज करते हो मेकअप के जो पर्टिकल होते हैं उन सब से जो है वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ टोकोफेरल तो एज अ मॉइस्चराइजर ही काम करता है तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट है इनको मिलाकर विटामिन ई e रेडी होता है विटामिन ई e का, का काम आपके स्किन को टाइट करना एंटी प्रोवाइड करना साथ साथ आपके स्किन को सॉफ्ट बनाना सफल बनाना और मॉइस्चराइज रखना काम होता है आप इसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो अपनी क्रीम्स के अंदर यूज कर सकते हो फेशियल

करता है आप उसे पूछ सकते हो सजेस्ट करते हो तो आप लगा सकते हो लेकिन आपकी स्किन ऑयली है तो सर्दियों में रेगुलर एक लगा सकते हो लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और गर्मियों में आपको लगाना है तो हफ्ते में दो बार ठीक है आप इसे लगा सकते हो और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है तो आप रेगुलर बेस से लगा सकते हो डायरेक्टली भी डार्क सर्कल्स के नीचे दो कैप्सूल आपने लगा ली काटी एक कैप्सूल और फिंगर टिप्स की मदद से लगा ली और सेकंड काटी और वो भी आपने फिंगर टिप्स की मदद से लगा ली तो इसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा इसको यूज करने से और साथ साथ ये कि ये जो आपके पिगमेंटेशन वगैरह होती है ना उसको भी फेड करता है अगर आप इसे यूज करते हो नॉन रंग गोरा नहीं करता ठीक है रंग गोरा करने के लिए वैटामिन ए और सी का आप कर सकते हो। तो ये थी आज ये सिंपल वीडियो करने काम करता है प्राइस की बात करें तो एक पांच या दस रुपए की आपको मार्केट से मिल जाएगी बॉक्स खरीदना चाहते हो बॉक्स खरीद सकते हो कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो सिक्सटी सेवेंटी रूपीज का आपको पत्ता मिल जाएगा व्यन का वो आप खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो तो ये थी आज के सिंपल वीडियो वीडियो को एक लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफि